अगर हम एनसीआरबी डेटा को खंगालते हैं तो साल 2020 में कस्टोडियल डेथ्स की कुल संख्या 1 बताई जाती है, जबकि अगस्त 2021 में लोकसभा में एमओएस होम नित्यानंद राय द्वारा दिए गए एक जवाब के मुताबिक 2018 से लेकर 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में कस्टोडियल डेथ्स की कुल संख्या 23 थी, वहीं न्यायिक हिरासत में कस्टोडियल डेथ्स की कुल संख्या 1295 थी। नवंबर 2021 में जहां कासगंज में 22 साल के अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में कथित तौर पर मौत का मामला सामने आया था, वहीं इस घटना के 3 महीने पहले संत कबीर नगर में बखीरा पुलिस स्टेशन में एक 45 साल के दलित व्यक्ति की हिरासत में मौत के केस को पुलिस एक्सीडेंटल डेथ बता रही थी। उत्तर प्रदेश में समय समय पर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर और हत्या की घटना आम बात हो गई है। मई 2022 में ताजा मामला चंदौली जिले का है, जहां घर पर दबिश देने आए पुलिस कर्मियों द्वारा एक 21 साल की युवती की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस यातना से पीड़ित लोगों पर ऐसी घटनाओं का क्या असर पड़ता है और क्या हर केस में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, इन्हीं सब बातों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए, शरीर पर आधे कपड़े व चोटों के निशान, ये तस्वीरें 9 अप्रैल 2022 के दिन की हैं, जिनमें अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर के छात्र सर्वेश यादव आपको दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने श्रवण समझकर करीब आधे घंटे तक कस्टडी में प्रताड़ित किया। मेरा पहला सवाल सर्वेश आपसे ये है कि 9 अप्रैल के दिन की घटना के बारे में हमें बताएं कि उस दिन पुलिस कर्मी जो दो आपके पास आए थे विश्वविद्यालय चौकी से, उन्होंने आपसे क्या बोला और क्या कहकर वो आपको चौकी ले गए थे? जी मैम नमस्ते। ये घटना शाम तीन बजे की है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय से निकल करके अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहा था, तभी विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज हर्षवीर सिंह आते हैं और हमें पकड़ लेते हैं और वहां पर बैठा लेते हैं। उसके बाद वो उप निरीक्षक सोहराब आलम को बुलाते हैं और हमें विश्वविद्यालय चौकी ले जाते हैं, जहां पर वो बिना कारण कुछ पूछे हुए हमें मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। आधे घंटे की अवधि के दौरान जब आप पुलिस चौकी में थे तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्या इस चौकी पर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? चौकी के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा हुआ था। वहाँ बाहर लगा हुआ है लेकिन अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अंदर हमको प्लास्टिक के राड से बेल्ट से प्रताड़ित किया जाता है आधे घंटे लगातार। और कौन कौन पुलिस कर्मी इसमें शामिल थे? उसमें चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक हर्षवीर सिंह और उप निरीक्षक सोहराब आलम। पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार को सर्वेश आप किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना के रूप में देखते हैं? जी मैम, इस तरह धमका रहे थे कि हमको आपको श्रवण को पकड़वाना होगा, कि आप श्रवण को नहीं पकड़वाएंगे तो मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा, आपको यहीं से मैं नैनी जेल ट्रांसफर करवा दूंगा, मेरे जेब पॉकेट में कारतूस रख देते हैं, उसके बाद हमें ले जाकर हमारे रूम पर लेकर जाते हैं, वहाँ हमसे कहते और पिस्टल लगा देते हैं, कहते हैं तुम्हारे रूम से पिस्टल कारतूस बरामद हुए, अब तुम्हें यहीं से हम नई जेल के लिए चालान कर देंगे। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने घर परिवार रिश्तेदार के नंबर थे उनके नंबर ले लेते हैं, कहते हैं अगर तुम अब आगे कोई घटना होगी मैं तुम्हारे घर वालों रिश्तेदार वालों को बताऊँगा कि ऐसे ऐसे घटने कर रहे हैं, और मैं तुम्हें मतलब कि पूरी मानसिक रूप से प्रदान करने की बात कर रहे थे। जब पुलिस आपसे बलपूर्वक पेश आ रही थी तो उस समय का कोई और वाक्या आप हमें बता सकते हैं जो आपके जहन में घर कर गया हो? हमारे कपड़े पूरी तरह से उतरवा दिए गए थे, हमारे जात सूचक गालियां दी जा रही थी, तुम्हारी यूपी में सरकार नहीं बनी है तो यादव हो फला हो ऐसा हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हर्षवीर सिंह है वो कहते हैं हमारा संबंध स्वतंत्र देव पटेल सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारा उनसे संबंध है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सब देख लूंगा, और हमसे अगर जिस दिन हमारी वर्दी उतर जाएगी मुझसे बड़ा अपराधी पूरे शहर में कोई नहीं है,
इस तरह की बात कर रहे थे। इन सब के बीच जिस अभियुक्त को पुलिस ढूंढ रही थी श्रवण, क्या आपको इस बीच अपनी सफाई देने का मौका मिला, ये बताने का मौका मिला कि आप सर्वेश हैं, किसी भी तरीके की जवाबदेही का मौका आपको दिया गया था क्या? नहीं, मैं लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जब सफाई सफाई देने की कोशिश करता वो मुझे लगातार मारने पीटने लगते थे, कहते थे तुम सब जानते हो ऐसा है वैसा है, और लोग हमें मारने लगते थे। मैं लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा था, बट वो लोग नहीं मान रहे थे। वो लोग यही कह रहे थे तुम श्रवण को जानते हो और हमको श्रवण को पकड़ाओ। जब मैं कहा मैं सर मैं डेलीगेसी में रहता हूँ, मैं हॉस्टलर नहीं हूँ, तो वो लोग यही कह रहे थे तुम उनको जानते हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम उन्हें जानते हो। लेकिन मैं लगातार कह रहा था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितनी बार बोलने की कोशिश करता वो लोग मुझे राड से पिटाई करना शुरू कर देते थे, हाथ से मारना शुरू कर देते थे, बेल्ट से मारना शुरू कर देते। इसलिए मैं 5-10 मिनट के बाद मैं बोलना बंद कर दिया था। इस पूरी घटना के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? अभी इसका क्या स्टेटस है सर्वेश? स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस समय वो दोनों लोग बहाल हो चुके हैं और प्रयागराज के ही एक थरवाई थाना है शायद, वहां पर उन लोग पोस्टिंग हो चुकी है। और एक जो जांच बिठाने की बात हुई थी, अभी तक क्या किसी सीनियर ऑफिशियल द्वारा आपको उसके बारे में कुछ बताया गया है या आपको बुलाया गया है फॉर्मली अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए? जी मैम, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई हमें कभी नहीं बुलाया गया, ना ही कोई कार्रवाई हुई। आपने अपनी तरफ से इस केस में क्या फॉर्मली कोई FIR फाइल करने की कोशिश करी है क्या? अभी तक मैं नहीं है। नौ अप्रैल के ही दिन प्रयागराज पुलिस द्वारा एक ट्वीट में ये कहा जाता है कि सर्वेश असल में एक ई रिक्शा वाले के साथ मारपीट कर रहे थे और जब उसको सुलझाने का प्रयास किया गया तो वो विरोध करने लगे। इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है? जी मैम, ये फर्जी है, पुलिस अपने बचाव के लिए कर रही थी, जिसे कुछ समय बाद डिलीट कर दिया गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट अब हमें ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखने को नहीं मिलेगा? नहीं जी मैम, नहीं मिल पाएगा, ये डिलीट कर दिया गया था 5-10 मिनट के बाद। आप अभी BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सर्वेश। जी मैम। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद अगर मैं पूछूं आप क्या सपने लेकर आए थे और खाकी वर्दी को लेकर अभी आपके दिमाग में क्या परसेप्शन है, थोड़ा बताएं। मैम, जब मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आया था तो मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे SDM बनना है। लेकिन अब जिस तरह से हमारे साथ घटना हुई, तब से मैं जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग वर्दी के प्रति अलग हो जाता है, मतलब लगता है कि नहीं, हमारे साथ काफी गलत हुआ है और अंदर से बहुत ग्लानी महसूस होती है। आपको ग्लानी महसूस होती है? जी मैम। आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है जिस तरीके से पुलिस फोर्स अक्सर आम आदमी के साथ पेश आती है? जी मैम, बहुत बहुत बड़े स्तर सुधार की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। मैं अपनी बात कह चुका, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हमारे विश्वविद्यालय के ताराचंद छात्रावास में हुआ था और प्रयाग स्टेशन पर ऐसी घटनाएं जो सोहराब आलम वो कर चुके हैं, लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पाया था। मेरा अगला सवाल सर्वेश आपसे ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा लॉ एंड ऑर्डर के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो छात्र विशेषकर जो हॉस्टल में रहते हैं उन पर इनका क्या असर पड़ता है? हमारे विश्वविद्यालय में ये माहौल है कि पुलिस जब इच्छा चाहता है तब हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं, जब मन होता है विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आ जाते हैं। पुलिस के कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस जब चाहती है कहीं भी विश्वविद्यालय के अंदर आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस प्रवेश ना करें, हॉस्टल के अंदर पुलिस प्रवेश ना करें, इस पर रोक लगनी चाहिए।
और ये जो दो पुलिस कर्मी हैं, हर्षवीर सिंह और शोराब आलम, इनके भी ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि पहले भी इनके कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या पहले भी इन्होंने किसी छात्र के साथ इस तरीके की हरकत करी है जो संज्ञान में आई हो? जी मैम, ऐसी एक घटना प्रयाग स्टेशन पे उसका उल्लेख न्यूज़पेपर में हुआ भी है। वो घटना प्रयाग स्टेशन पे हुई थी, सोहराब आलम के द्वारा हुआ था। और इन सोहराब आलम के द्वारा एक घटना ताराचंद छात्रावास में हुआ था, लेकिन वो घटना वो छात्र का ही नहीं पाया था, वो मामला वहीं पर दब गया था हॉस्टल से ही। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे सर्वेश ये है कि जब इस तरीके के कस्टोडियल टॉर्चर की घटना सामने आती है तो इसका उस व्यक्ति के मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है। जी मैम, तो अगर आप ये हमें बता पाएं कि इस पूरे घटनाक्रम का आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा और कैसे आपने कोप अप किया? जिस दिन से हमारे साथ ये घटना हुई, उस दिन से पुलिस के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह, देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं जब इस घटना को मैं सोचता हूँ, पूरी तरह से द्रवित हो जाता हूँ कि जिस तरह से लोग मुझे मार रहे थे और जिस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं उस घटना को याद करके पूरी तरह से कांप जाता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री ने प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वीडियो के बाद भी अगर आधिकारिक रूप से हमें कोई भी उत्तर मिलता है, तो हम उसे अपनी रिटर्न रिपोर्ट में ज़रूर ऐड करेंगे। हालांकि ये मामला कस्टोडियल डेथ का नहीं है, बल्कि कस्टोडियल टॉर्चर का ही एक और इंसिडेंट है, जो कि अक्सर अखबारों में महज कुछ हेडलाइंस या कुछ कॉलम तक सीमित रह जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का जो रवैया है, वो एक बात जरूर स्पष्ट कर देता है कि अकाउंटेबिलिटी की फिलहाल पुलिस में काफी गुंजाइश है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।